जब आपके अंदर कुछ करने की आग हमेशा जलती रहे और आपके पास कुछ करने का गोल अपने माइंड में हमेशा सेट रहे, ऐसी अवस्था इंसान की पीक पॉइंट कहलाती है। पीक पॉइंट स्ट्रांग था सचिन तेंदुलकर का, अब्दुल कलाम जी का, शाहरुख खान जी का। ये कभी अपने गोल से भटके नहीं और ना ही इनको मोटिवेट होने की जरूरत थी। सचिन को पता था कि क्रिकेट ही इनके लिए बना है। जब आपका पीक पॉइंट स्ट्रांग हो जाएगा फिर आपको मोटिवेशन की वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, फिर आप जो भी करेंगे अपने गोल के लिए करेंगे, बेकार की चीज़ों में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करोगे। पीक पॉइंट पर इंसान जब होता है तब उसे अपने मन के लिए या अपने शरीर के लिए एंटरटेनमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ती। वो जो भी करता है उसमें इतना डूब के करने लगता है कि उसको ही उसको करने में एक्साइटमेंट बनी रहती है और वो उस काम से बोर नहीं होता। मतलब पीक पॉइंट पर जो इंसान पहुंच जाता है तब वो अपने गोल को करने में कभी भी बोर महसूस नहीं करता, और जब काम करता है तो उसको उसी में एंटरटेनमेंट मिलता रहता है। फिर वो एंटरटेनमेंट के नाम पर मूवी या फेसबुक या व्हाट्सएप जैसी चीज़ों का यूज़ नहीं करता। कृपया ध्यान दें, इस वीडियो को बनाने का मकसद एक ही है कि अपनी सोच को हमेशा मोटिवेट कैसे रखें, हमेशा अपने टारगेट पर फोकस कैसे रखें। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि आपको डिटेल में समझाया जाएगा, बहुत साधारण शब्दों का यूज किया है। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी नज़र हमेशा लक्ष्य पर रहेगी, आप फिर कभी भी नहीं भटकोगे। तो शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार और आप लोग देख रहे हैं चैनल दीपक खरे। जब तक अपनी पूरी एनर्जी का यूज़ नहीं करोगे तब तक आप लक्ष्य हासिल नहीं कर पाओगे। आपने ये बात जाने कितनी बार सुनी होगी लेकिन फिर भी आप इसे समझ नहीं पा रहे हो, इसलिए जहाँ के तहाँ हो। मैं एक बार फिर से दोहराऊँ, जब तक अपनी पूरी एनर्जी का यूज़ नहीं करोगे तब तक आप लक्ष्य हासिल नहीं कर पाओगे। फुल एनर्जी का यूज़ हमेशा तब हो पाता है जब आपका पीक पॉइंट स्ट्रांग होता है। पीक पॉइंट को दृढ़ इच्छा शक्ति भी कह सकते हैं। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। फुल एनर्जी का यूज़ हमेशा तब हो पाता है जब आपका पीक पॉइंट स्ट्रांग होता है। आपके साथ ऐसा कई बार हुआ होगा कि कोई परीक्षा देकर आप आए हो तो आपको दो आभास होते रहते हैं। एक आभास आपको ये विश्वास दिलाता रहता है कि आप पास हो जाओगे, आपने जो तुक्के लगाए थे वो तुक्के फिट हो जाएंगे, और दूसरा एक और आभास आएगा जो कहेगा कि नहीं यार, पास नहीं होंगे, मेहनत सही नहीं हुई थी, पढ़ाई सही तरीके से नहीं हुई थी। किसी भी एग्जाम देने के तुरंत बाद ये दोनों आभास आपके माइंड में चलते ही हैं, लेकिन जब आपका पीक पॉइंट स्ट्रांग हो जाएगा तब आप अपने आप से सही बोलोगे। फिर आप अपने आप को बेवकूफ़ बनाना बंद कर दोगे। जैसा आपने टॉपर को देखा होगा कि वो तुक्कों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है, वो बात करता है तो जो सॉल्यूशन कर चुके हैं सवाल उन पर ही बात करता है। पीक पॉइंट स्ट्रांग किसी किसी के जन्म से होता है और कोई कोई इसे स्ट्रांग खुद से बनाता है। कोई कोई होते हैं जो पीक पॉइंट स्ट्रांग बनाने में कई साल लगा देते हैं, और कोई ऐसा भी होता है जो तुरंत अगले पल से ही इसे स्ट्रांग बना लेता है। जब तक आप अपनी पूरा कंसंट्रेशन पावर अपने टारगेट पर नहीं लगाओगे तब तक आप सक्सेस नहीं होगे, और जब आपका पीक पॉइंट स्ट्रांग हो जाएगा तो आपका कंसंट्रेशन हमेशा टारगेट पर ही बना रहेगा। आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, आप जैसा अभी कर रहे हो वैसा करते रहो, रोज़ ठीक इसी टाइम टाइम को वेस्ट करो मोटिवेट होने के लिए, और ऐसे ही वीडियो देखो, जब मन करे फेसबुक, जब मन करे व्हाट्सएप चलाओ, गेम खेलो, जो दिल करे वो करो। और दूसरा ऑप्शन है, आज जब ठीक इस वीडियो के ख़त्म होने पर अपने आप को 2 से 3 घंटे अपने आप के लिए निकालो, अपना एक टाइम निकालो, और अपनी अच्छाई, अपनी बुराई, अपनी पसंद नापसंद, अपना स्वभाव, इन सब को ध्यान में रखकर अपना टारगेट, अपना गोल सिलेक्ट करना है। लेकिन ये पक्का कर लेना कि लक्ष्य जो भी बनाओ फिर उसे कभी छोड़ना मत। वो लक्ष्य जो जिंदगी में पाना है उसे पाकर ही रहना है, उसे कभी फिर ऐसा मत करना कि छोड़ दो। जो भी काम करो, चाहे फेसबुक चलाओ, व्हाट्सएप चलाओ, टीवी देखो, न्यूज़ देखो, डिस्कवरी देखो, सॉन्ग सुनो, जो भी काम करो अपने से क्वेश्चन करते रहो कि आप जो अभी कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, इससे क्या फ़ायदा होगा, आपको इससे कोई लाभ भी मिलेगा या बस यूं ही टाइम पास करने के लिए देखते रहें। इन सब से आप रोज कितनी बेकार की नॉलेज अपने दिमाग में भरते जा रहे हैं। इसके बदले सिर्फ आप काम की ही चीजें देखो, समझो और उन्हें माइंड में फिट करो, तो आप अपने लक्ष्य से संबंधित ना जाने कितनी इंपॉर्टेंट नॉलेज फिट कर सकते हो और लक्ष्य को पालोगे। डिस्कवरी देख के यदि आपको लगता है कि आप नॉलेज ले रहे हैं तो आप अपने मम्मी पापा को बेवकूफ़ बना रहे हो, उनकी नज़र में तो आप गुड बॉय बन जाओगे।
लेकिन सच बात यह है कि आप इंटरटेनमेंट के लिए डिस्कवरी देखते हो। आपको हर वक्त अपने आप से क्वेश्चन करने पड़ेंगे। आप जो भी काम कर रहे हो, पहला क्वेश्चन रहेगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, दूसरा रहेगा क्या यूज है इसका, तीसरा आपको अपने आप से करना है कि इससे लक्ष्य में मदद मिलेगी क्या। इन तीन क्वेश्चन के लिए आपको आंसर मिले तब आप जो काम कर रहे हो वो करते चलें, अन्यथा उसे छोड़ दें। आप अपना वक्त कल से ही बदल सकते हो। आप चाहो तो अभी से एक लक्ष्य बना सकते हो और अपना पीक पॉइंट स्ट्रांग कर सकते हो। मैं एक उदाहरण देके समझाता हूँ, मेरे भाव को समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। कुछ लोगों को समझ में नहीं भी आएगा तो वो छोड़ देना, लेकिन दिल पर मत लेना। एक उदाहरण के तौर पर ही मैं समझा रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनना, गौर से। आप कल से अपना गोल सेट कर सकते हैं और उसे अचीव करने के लिए कल से ही शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी पूरी ताकत इकट्ठी करके अपने आप से वादा करना होगा, तभी आप कर पाओगे। एक उदाहरण समझा रहा हूँ। मान लो आपके घर में चार लोगों की फैमिली है, मम्मी पापा आप और आपकी बहन। आपके मामा के घर में किसी लड़के की शादी है, तो उस शादी में आप और आपकी माँ गए हुए थे। शादी हो चुकी है, अब आप वापस से लौट रहे हो। रात की 11 बज रहे हैं, अंधेरी रात हो चुकी है, सुनसान गली है। अचानक कुछ लोगों ने आप पर अटैक कर दिया और आप बेहोश हो जाते हो। और थोड़ी देर बाद आप जब आपकी आंखें खुलती हैं तो आप खेत पर बंधे हुए अब अपने आप को देखते हो, जहां पर दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं रहता। चार पांच दरिंदे आपकी माँ को घेरे खड़े हैं और आपकी माँ के सारे कपड़े आपके चारों तरफ फैले हुए हैं। माँ जोर जोर से चीख रही है। वो दरिंदे आपकी माँ के साथ बहुत बुरा कर रहे हैं। आप सामने बंधे हुए हो, कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। कल्पना तो करके देखो यार। आप अपनी पूरी ताकत लगा दोगे अपनी माँ को बचाने में, कुछ भी करोगे लेकिन माँ को जरूर बचाओगे। और यदि ना बचा पाए तो आप उन दरिंदों को जान से मारने के लिए बेचैन रहोगे। फिर इसके लिए आपको मोटिवेट होने के लिए वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। आपके अंदर बदले की इतनी भयानक आग लगी होगी कि फिर आपका कंसंट्रेशन जरा सा भी नहीं भटकेगा और मौका देखकर आप उन दरिंदों का खेल खत्म कर दोगे। आप थोड़ा अपने को इस एग्जाम्पल से रिलेट करके देखो। आप होते तो आप भी ऐसा ही करते। आप कुछ भी हो जाए उनको खत्म ही करके मानते। कहने को ये एक नेगेटिव थॉट है, लेकिन यदि आप किसी टारगेट को नेगेटिव थॉट का यूज करके अचीव कर रहे हो, तो फिर पॉजिटिव टारगेट अचीव करने के लिए आपको इतना समय क्यों लग रहा है? इतना मोटिवेट होने की क्या जरूरत पड़ रही है? आप जैसा सोचते हो, जैसा आपका स्वभाव है, जो आपके विचार हैं, वो सब बदल जाएंगे। जरा सोचो, जैसा अभी आपके विचार हैं फिर वो वैसा रहेंगे क्या? बिल्कुल नहीं रहेंगे। आपको किसी का मांस कटा हुआ देख लो आप, तो आपका पसीना छूट जाता है। आप में कहाँ से इतनी ताकत आ जाती है कि आप किसी का खून भी करने में एक बार नहीं सोचते? आपकी सोच, आपके विचार सब कहाँ चले जाते हैं? इसी बात को जरा सोचो। ये विचार आपको बदल सकते हैं। आप शायद समझ पा रहे हो कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। आप में इतनी शक्ति है कि आप अपने विचारों के विपरीत भी काम कर सकते हो। जो आपको अभी बहुत मुश्किल काम लग रहा है, आप उसे कर सकते हो। अपने आप को बदल सकते हो। आप जो चाहे, जितना बड़ा चाहे लक्ष्य हासिल कर सकते हो। अपने विचार, स्वभाव, अपनी आदतों, सबको बदल सकते हो। यदि आप अपने आप को नकारात्मक विचारों का उपयोग करके बदल सकते हो, तो सकारात्मक विचारों का उपयोग करके क्यों नहीं बदल सकते? कर सकते हो, बस आपको अपने ऊपर यकीन नहीं है। निगेटिव थॉट में इतनी पावर है कि वो आपको पूरा चेंज कर देगा। तो पॉजिटिव थॉट से आप अपने आप को क्यों चेंज नहीं कर पा रहे हो? इंसान तो आप ही हो। अपने आप से बात करो, समझो कि आप में कितनी ताकत है। आप अभी अपने पीक पॉइंट क्यों स्ट्रांग नहीं कर पा रहे हो? क्यों आपका माइंड भटकता है? क्यों सभी जगह जा रहा है? आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। अपने आप को टाइम दो, अपने आप से बात करो, समझो अपनी शक्तियों के बारे में। आपको बस अपने आप को ध्यान से देखने भर की देर है। यदि कोई नहीं मिल रहा जो तुम्हें तुम्हारी शक्तियां बताएं, तो कभी भटको मत। अपने गुरु खुद बनो। खुद को हर वक्त देखो, अपने आप से बात करो और जुट जाओ लक्ष्य को पाने में। आप में टारगेट अचीव करने की सारी शक्तियां हैं जो जो होनी चाहिए।
क्यों? क्योंकि आप यदि नेगेटिव टारगेट अचीव कर सकते हो तो आप पॉजिटिव टारगेट अचीव भी कर सकते हो। चूंकि किसी की मौत करना हम अपनी जिंदगी में भी नहीं सोच सकते, लेकिन आपके सामने आपकी माँ के साथ दरिंदे कुछ करते हैं तो फिर क्या नहीं कर सकते हो आप? सेम वैसे ही अपनी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में बदलने भर की देरी है। सब आसान है आपके लिए, आप कुछ भी कर सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है मानो मैं हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिला रहा हूं। वो शक्तियां उनके अंदर पहले से हैं, लेकिन उनको यकीन नहीं है कि वो कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सब कुछ कर सकते हो, मैं ये कह रहा हूं कि आप कुछ भी एक चीज को पूरा कर सकते हैं। आप किसी भी एक सब्जेक्ट में पकड़ बना लो ना, तो फिर आप उस सब्जेक्ट में सर्वश्रेष्ठ बन जाओगे। आप फिर जहां जाओगे, दुनिया उस सब्जेक्ट का ज्ञान लेने के लिए आपके पीछे पीछे आएगी। एक बात ध्यान से सोचने कि आपको पॉजिटिव पीक पॉइंट अचीव करने के लिए ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। टाइम टू टाइम मोटिवेशन वीडियो देखनी होगी, अपना टाइम टेबल पर फोकस करना पड़ेगा, अपने मन को एकाग्र करना पड़ेगा। क्या ठीक ऐसा ही जब आपका नेगेटिव पीक पॉइंट स्ट्रांग हो जाता है तब भी करना पड़ेगा? कि आप दरिंदों को मारने जा रहे हैं उससे पहले मोटिवेशन वीडियो देखोगे, या मारने से पहले आपके अंदर ये ख्याल आएगा कि लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में, या आप शांत होकर ये सोचते हो कि यदि आप इनको मारोगे तो मेरी लाइफ कितनी खराब हो जाएगी? ऐसा शायद नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपका माइंड पूरे शरीर में सिर्फ एक ही चीज़ भेजता है कि इसको कैसे मारें, सही टाइम कौन सा है, सही एरिया कौन सा है। ऐसे ही सारी बातें चलेगी आपके माइंड में। ठीक इसी टेक्निक का उपयोग करना है जिससे हमारा माइंड हमें लक्ष्य के बारे में हमारा शरीर को लगातार बताता रहे। दुनिया में महात्मा गांधी इतने पॉपुलर कैसे बने, उनका पीक पॉइंट कैसे मजबूत बना? तो आप शायद नहीं जानते होंगे कि महात्मा गांधी अपनी ऐश की जिंदगी जिए जा रहे थे। उस समय जब देश अंग्रेजों की कैद में था, उस टाइम गांधी जी पढ़ने के लिए विदेश गए हुए थे। सोचो जरा, LLB की पढ़ाई कर रहे थे, सब सही चल रहा था उनकी लाइफ में। लेकिन एक दिन क्या हुआ, गांधी जी को जब ट्रेन से फेंका था अंग्रेजों ने, तब जाके उन्होंने ठान ली थी, और उसी वक्त उन्होंने जो ठान लिया था उसे लास्ट लास्ट तक करके ही माने। उन्हें नहीं पता था जो सोचा है कैसे पूरा होगा, बस उनके अंदर इतनी एनर्जी आ गई थी कि उस एनर्जी ने लक्ष्य को हासिल करने के लिए सॉल्यूशन बनाते चले गए। जब गांधी जी के साथ बुरा व्यवहार हुआ, तब जाके उन्होंने जो ठान लिया उसको हासिल करने में जुट गए, और धीरे धीरे उनके साथ पूरा हिंदुस्तान जुट गया। क्या उन्हें पहले से पता था कि क्या क्या करेंगे वो जिससे लक्ष्य हासिल कर लें? नहीं, बस उनका जो पीक पॉइंट था वो इतना ताकतवर था कि उसने सारी व्यवस्था बना दी। तो क्या ये जरूरी है कि आपके साथ जब बुरा हो तभी आप अपने अंदर की इच्छा शक्ति को जगाओ? अभी आप नहीं जगा सकते हो। क्या ये जरूरी है कि आपके बुरा टाइम आए तभी आप कुछ करने की आप ठानो? अभी नहीं ठान सकते? थोड़ा सोचने वाली बात है। गांधी जी के साथ पहले सब बढ़िया चल रहा था उनके साथ, फिर क्या ऐसा हुआ कि उन्होंने एक लक्ष्य बना लिया? उनकी लाइफ बढ़िया चल रही थी कि उनको ट्रेन से नहीं फेंका जाता, तो क्या उनको आज दुनिया जानती? जितनी शक्ति गांधी में है उतनी शक्ति आप में भी है, बस आप इंतजार कर रहे हो कोई आपको भी ट्रेन से फेंके, तब आप अपनी इच्छा शक्ति मजबूत कर पाओगे। इसे आप अभी नहीं कर पा रहे हो। जब आपको ट्रेन से फेंक दें तभी आप कुछ करोगे। अभी भी आप कर सकते हो, बस कुछ ठान लेने भर की देरी है। यार जिंदगी एक बार मिली है, कुछ तो ऐसा करके दिखाओ कि मरते वक्त अफसोस ना हो कि मजबूरियों ने कुछ ऐसा नहीं करने दिया, या किस्मत ने खराब रही, या भाग्य ने साथ नहीं दिया। इन बातों को छोड़ो, निकम्मे लोग इनका बहाने मारते हैं, आप उन निकम्मों के जैसे नहीं हो। आप चाहे जितनी उम्र के भी हो, आप में अभी भी इतनी शक्ति है कि आप दुनिया को कुछ ऐसा दे सकते हो जो किसी के काम आए। आप कर सकते हो, यकीन करो। कोई भी आपको मोटिवेट के लिए आपके पास नहीं बैठा रहेगा, आपको खुद अपने आप को मोटिवेट करना होगा, लड़ना होगा अपनी बुरी आदतों से। ऐसे नहीं जीतने दे सकते हो आप उन बुराइयों को बिना लड़े। अरे कुछ भी असंभव नहीं यार। हाड़ मांस के शरीर में इतनी ताकत नहीं कि आप इसे कंट्रोल में ना कर पाए। आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। एक बात गांठ बांध लो, जिस दिन आपका पीक पॉइंट स्ट्रांग होगा तभी जाके आप सक्सेस पाओगे। तो ये आप पर निर्भर है कि आप अपने पीक पॉइंट स्ट्रांग करने में कितना समय लगाते हो। मैंने जो ट्रिक बताई है
नेगेटिव थॉट वाली, उससे आप कल से ही स्ट्रांग बना सकते हो। आपके अंदर क्वालिटी हैं, लेकिन वो क्वालिटीज नेगेटिव थॉट में जल्दी निखर के आती हैं, पॉजिटिव में जल्दी नहीं आ पाती। आप यदि कल से अपने ऊपर विश्वास करने लगोगे और ठान लोगे कि आप जो पाना चाह रहे हो उसे आसानी से पा सकते हो, तो आपकी शुरुआत बहुत अच्छी मानी जाती है। यदि जल्दी सक्सेस पाना है तो हर दिन का काम पहले से सेट करो, और जल्दी पाना है तो हर घंटे का टाइम टेबल सेट करो और एनालाइज करो कि आप 1 महीने में पहले कहाँ थे और अब कहाँ हो। आपके माता पिता आपके स्वभाव को पसंद नहीं करते हैं, भले ही वो आपसे ये बात ना बोले, उनकी नज़र में आप किसी भी रिश्तेदार से बात करने में हिचकते हो, किसी भी अपरिचित से बातचीत करने में आप डरते हो, जब देखो अकेले अकेले ही टाइम स्पेंड करते हो। माता पिता ये ही सोचते रहते हैं कि अकेले में पता नहीं क्या करते हो, क्योंकि आप खास हो, ये बात आपके अलावा कोई और नहीं जानता। अब टाइम आ गया है दूसरों को भी बात बताने का। इस वीडियो के तुरंत बाद कम से कम 2 या 3 घंटे के लिए टाइम लेना और अपने सबसे पहले गोल सेट करना। गोल सेट करने करते वक्त ये 3 क्वेश्चन जरूर करना, जैसे कि मेरा गोल है 10 साल में मुझे रोल्स रॉयल कार लेनी है। ये मेरा खुद का निजी एक गोल है, मुझे नहीं पता ये कैसे अचीव होगा। तो 3 चीज़ों आपको हमेशा अपने आप से पूछनी है गोल सेट करते टाइम। गोल आपके नेचर को सूट करता है या आप अपने नेचर को कन्वर्ट कर सकती हो गोल के लिए, मतलब जो आप जैसे हो अभी उसके अनुसार ही गोल बना रहे हो, या गोल में इतनी ताकत होगी कि आपको बदल देगा। ये अपने आप से पहली चीज़ जरूर सवाल करना, गोल आपके लिए क्या क्यों जरूरी है। आप इसे जिंदगी भर में यदि अचीव कर पाओ तब भी अचीव करोगे या फिर छोड़ दोगे। दूसरा पॉइंट है, गोल आपके लिए क्यों जरूरी है। आप इसे जिंदगी भर में यदि अचीव कर पाओ तब करोगे या फिर इसे छोड़ दोगे। नंबर तीसरे क्वेश्चन करना है आपको, गोल को अचीव करने के लिए आपको सब कुछ छोड़ना पड़े तब भी छोड़ सकते हो। ये तीनों चीजें अपने आप से पूछनी है, ये तीनों सवाल अपने आप से करना है जब भी आप गोल सेट करो। नंबर तीसरा सवाल है, गोल को अचीव करने के लिए आपको सब कुछ छोड़ना पड़े तब भी छोड़ सकते हो। इससे आपका डेडिकेशन पता चलेगा गोल के प्रति, कि कितने लगनशील हैं आप अपने गोल के लिए। जब आप इन 3 क्वेश्चन का आंसर दे पाओ तब कोई गोल सेट करना, वरना उससे छोड़ते जाना, कोई दूसरा गोल देखना, तीसरा देखना, चौथा देखना, जो भी गोल ऐसा हो जो आपके इन 3 क्वेश्चन का आंसर दे सके तो वो ही सेट करना। जब गोल सेट हो जाए फिर उसको पाने के लिए आपको अपने 5 साल का टारगेट रखना है, कि 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो। फिर उसके हिसाब से हर साल का, 6 मंथ का, एवरी मंथ का गोल सेट करना पड़ेगा। 700 करोड़ लोग हैं पूरे विश्व में, लेकिन लगभग 1000 या 2000 लोग ही ऐसे होंगे जो फेमस होंगे या जिनको दुनिया जानती है। वो भी तो यार इंसान है, बस उनमें और आप में एक चीज अलग है, आपकी सोच दोनों की बहुत डिफरेंट है। सिकंदर जब आधी दुनिया पर राज करने का सोच सकता है, सोच ही नहीं बल्कि आधी दुनिया को जीत सकता है, तो क्या आपका सिर्फ अपनी बुरी आदतों को ही नहीं जीत सकते, आप अपना एक लक्ष्य सेट नहीं कर सकते। आप दुनिया में हो इसका प्रमाण तो दो यार, आप भेड़ बकरियों के जैसे जीने नहीं आए हो, आप कुछ करने आए हो, कुछ ऐसा करने जो किसी ने नहीं किया हो अभी तक। आप कर सकते हो, आप अभी बहुत अच्छी तरह से जीवन जी रहे हो। यदि आप अभी नहीं संभले तो बुरा वक्त आपको कुछ करने के लिए मजबूर कर देगा। इंसान 2 कंडीशन में ही कुछ करता है, एक उसका पीक पॉइंट स्ट्रांग होता है तब, और दूसरा जब समय बुरा होता है। लेकिन तब आप कोई बुरा काम करोगे, सही वक्त का इंतजार मत करो, आज ही आपके लिए सही वक्त है। दुनिया की फिक्र मत करो, ये लोग तब भी आपकी बातें करेंगे आप जब कुछ नहीं करोगे, और जब आप कुछ हासिल कर लोगे तब भी ये आपकी बातें करेंगे। बस ठान लो और जुट जाओ, वीडियो को बंद करो, अपना गोल सेट करो और आज से ही अपना पीक पॉइंट स्ट्रांग बना लो। लास्ट में यही बोलूंगा, जो भी दिन भर करो उसको देखते रहो कि वो काम यूजफुल है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबाएं, इससे मेरे अंदर जो काम करने की उत्सुकता है वो बनी रहे, और
तो साथ ही साथ मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल दीपक खरे और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।